हेलो स्टूडेंट, टुडे वी एक्सप्लेन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी जेनेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। काफ़ी देर बाद ये क्लास मैं अटेंड कर रहा हूँ बेटा, ये क्लास ले रहा हूँ। ठीक, इससे पहले हमने दो लेक्चर इसके कंप्लीट किए थे जिसमें हमने कुछ टूल्स के बारे में पढ़ा था, जैसे होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो अगर आपने इसको नहीं देखा तो इसके पहले प्रीवियस लेक्चर आप वहाँ से देख लीजिए यूट्यूब से। और उससे पहले हमने एक लेक्चर और कम्प्लीट किया था जिसमें हमने मेंडल्स के बारे में, उनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट करते हैं मेंडल्स लॉ से। मेंडल्स के कौन कौन से लॉ थे, क्या स्टेटमेंट था उस लॉ से रिलेटेड, और क्या मतलब उसमें प्रॉपर्टीज़ या कुछ और भी चीज़ें क्या थी, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अच्छे से समझिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए, क्योंकि काफ़ी दिन बाद ये क्लास अटेंड कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंडल्स लॉ से। मेंडल्स लॉ में तीन लॉ थे बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक, ये तीन लॉ मेंडल के द्वारा दिए गए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमिट्स। लॉ ऑफ डोमिनेंस को परफेक्टली ट्रू नहीं माना गया क्योंकि इसमें बहुत से एक्सेप्शन मिले थे, जिसके बिहाफ पे आपको बताया था तीन साइंटिस्ट आए थे, कॉरेंस, ह्यूगो डी ब्रीज और सेरमार्क। इन तीनों मेंडल के एक्सपेरिमेंट को दोबारा एक्सप्लेन किया था, उनकी फाइल को रीओपन किया था, समझा था। तो कॉरेंस ने जब इसको एक्सप्लेन करना चाहा तो कॉरेंस को इसमें काफ़ी दिक्कतें आई कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो समझ में ही नहीं आ रही थी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बताया गया यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, मतलब ये हर एक प्लांट्स पे अप्लाई होता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी परफेक्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इन तीनों लॉ को आज एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से समझते हैं कैसे क्या था, इस लॉ में क्या बताया गया था, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो फर्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल फर्स्ट लॉ। लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताया गया, लिखिए बेटा, इफ द क्रॉस ऑकर इन बिटवीन, इफ द क्रॉस ऑकर इन बिटवीन, इफ द क्रॉस ऑकर इन बिटवीन टू प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स, टू प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स विच हैव One pair of contrasting character, which have one pair of contrasting character, then in F1 generation, only one character express itself, while other character does not express. While other character does not express, नीचे नोट लिखिएगा, नोट, those character which express itself completely
is called dominant character and those character which does not express itself called recessive character। अच्छा मेंडल ने किया क्या इस लॉ में, जरा समझिएगा। मेंडल ने क्या किया, आपको पता था, मैंने आपको बताया था कि टॉल पी प्लांट है, उसको हम लिखते हैं कैपिटल टी से, डॉर्फ पी प्लांट है, उसको हम लिखते हैं बेटा स्मॉल टी से। मेंडल ने क्या किया, डायरेक्ट क्रॉस कर दिया, गैमेट का सेलेक्शन ना करके डायरेक्ट क्रॉस किया, स्मॉल टी कैपिटल टी, ये इसके साथ क्रॉस हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ये इसके साथ क्रॉस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ होगा कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ठीक, जब इन्होंने इसमें से एक पर्टिकुलर को देखा, थे तो सारे सेम, और आपको ये भी बताया गया था कि कैपिटल टी प्योरली टॉल होता है, स्मॉल टी प्योरली डॉर्फ होता है, एंड अगर आपके सामने ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसे हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, कैपिटल टी स्मॉल टी को हम हाइब्रिड बोलते हैं। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो हाइब्रिड है, ये आगे चल के कैसा कैरेक्टर शो करेगा, टॉल का या डॉर्फ का, या इन दोनों में से किसी का नहीं, बीच का कैरेक्टर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी पे बेटा हावी हो जाता है। तो जब हावी हो जाएगा तो आपको पता है केवल किसका कैरेक्टर शो करेगा, टॉल का, ये कैपिटल टी फॉर टॉल है, स्मॉल टी मतलब डॉर्फ है, तो कैपिटल टी जब इस पे हावी होगा तो कैपिटल टी टॉल का कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, जिस वजह से ये प्लांट आपको कैसा दिखाई देगा, टॉल। तो आपने पढ़ा मेंडल के फर्स्ट लॉ में केवल एक कैरेक्टर खुद से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, दूसरा कैरेक्टर नहीं कर पा रहा था। तो जो कैरेक्टर आपको दिखाई देता है, मतलब जो कैरेक्टर खुद से एक्सप्रेस कर रहा होता है, जो आप देख सकते हो, पहचान सकते हो, उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं डोमिनेंट, और जो हमें नहीं दिखता उसे हम बोलते हैं रेसेसिव। ठीक, डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से और रेसेसिव को बेटा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, यहाँ तो आपका क्लियर हो गया डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है। जो कैरेक्टर आपको प्रॉपर दिखे वो डोमिनेंट है, और जो ना दिखे, जो अपने आप को कैरेक्टर, अपना कैरेक्टर ना शो कर पाए, शो क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर इस पर हावी हो जाता है, इसके कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है। क्लियर, तो यहाँ पे जब कॉरेंस ने मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट को समझा तो उनको ये समझ में आया, यहाँ पे तो रिजल्ट एक जैसे हैं, इसका मतलब जीनोटाइप और फिनोटिपिक रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जीनोटाइप और फिनोटिपिक रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो वर्ल्ड में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स के केस में, जिसमें ये एक्सेप्शन मिला कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम आ जाएगा। तब कॉरेंस को ये बात समझ में आई कि ये लॉ हर एक ऑर्गेनिज्म पे एप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ ही ऑर्गेनिज्म पे एप्लीकेबल होता है। तो उसमें से कुछ एग्जांपल्स आपके बुक में हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी लिखा दिया, आप इसको बनाना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है इसकी, लेकिन हाँ इसका जो एग्जाम्पल है उसको आपको समझना होगा बेटा। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्शन ऑफ मेंडल फर्स्ट लॉ। एक्सेप्शन ऑफ मेंडल फर्स्ट लॉ, मेंडल के फर्स्ट लॉ का एक्सेप्शन क्या था, पहला अगर हम समझें तो एक था लीथल जीन, लीथल जीन। ठीक, ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बट आपके सिलेबस में प
पेपर मतलब इस साल तो नहीं है, प्रेजेंट ईयर नहीं है आपके सिलेबस में, बट देख लीजिए लीथल जीन होता क्या है। लीथल जीन क्या होता है, ज़रा लिखिए लिखिए, द जीन विच कॉज डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड लीथल जीन। एक ऐसा जीन जो ऑर्गेनिज्म की डेथ करा दे, मतलब ऑर्गेनिज्म मर जाए अगर वो जीन डोमिनेंट हो जाए तो, मतलब बॉडी में एक ऐसा जीन है अगर वो डोमिनेंट कंडीशन में हो गया तो पर्सन की उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, तो उसे हम कौन सा जीन बोलते हैं बेटा, लीथल जीन। क्या बोलते हैं, लीथल जीन। ज़रा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, माइस के केस में एग्जाम्पल लिया गया, एक येलो माइस होता है फॉरेन कंट्री में, ठीक, इसका जो जीन था वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई था। अच्छा ध्यान रखिएगा, आपसे कहा गया एक ऐसा जीन जो अगर डोमिनेंट कंडीशन में हो जाएगा तो पर्सन मर जाएगा, उसे हम बोलते हैं लीथल जीन। अगर ये कैपिटल वाई हो गया तो डेथ, ये माइस मर जाएगा, और अगर ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया तो इसका बॉडी कलर कैसा हो जाएगा, येलो। मतलब ये कैपिटल वाई जब ऐसी कंडीशन में आया कि 50% कैपिटल वाई था 50% स्मॉल वाई, तो पर्सन की डेथ नहीं होगी। पर्सन की डेथ केवल एक कंडीशन में होगी, जब वो कौन से कंडीशन में हो, प्योरली डोमिनेंट कंडीशन में हो, मतलब 100% होमो हो जाए लेकिन कैपिटल कंडीशन, डोमिनेंट कंडीशन में। यहाँ पे क्या, एक कैपिटल और एक स्मॉल है, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव है, यहाँ पे ये कलर शो करना शुरू कर देगा येलो बॉडी कलर, उसकी डेथ नहीं होगी। और मान लीजिए अगर ये स्मॉल वाई हो गया तो ये कौन से कलर का माइस हो जाएगा बेटा, ब्राउन, जो आपके इंडिया में पाया जाता है। ज़रा देखिए, दो येलो माइस के बीच क्रॉस कराया गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसने अपना गैमेट दिया कैपिटल वाई, सॉरी आप डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हो ऐसे, क्लियर। आपको पता है जो पहला वाला बनेगा, फर्स्ट वाला कैपिटल वाई, और जो बाकी बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ये बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये बन जाएगा स्मॉल वाई। अब इसमें अगर आप जीनोटिपिक रेशियो निकालोगे बेटा, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो, तो जीनोटिपिक रेशियो में क्या आ जाएगा, ये वाला जो जीन है ये तो मर चुका होगा, और जब मर चुका होगा तो इसको काउंट करेंगे नहीं, तो काउंट किसको करेंगे, यहाँ पे ये दोनों कैसे हैं, येलो बॉडी कलर, ये कैसा है ब्राउन कलर, ये इस पर हावी होके भी नहीं कर पा रहा है, वो येलो कलर शो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2:1। और जब फिनोटाइप निकालेंगे, मतलब यहाँ पे 2 मतलब क्या है, दो येलो कलर के माइस है, दो जीन येलो कलर वाले हैं, एक जीन ब्राउन कलर का है, यहाँ पे भी क्या आएगा फिनोटिपिक में, मेन कैरेक्टर में भी वही दिख रहा है कि दो येलो कलर वाले जीन है और एक ब्राउन कलर का, फिर रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो एक्सेप्शनल केस होगा उसमें आपको जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये एक्सेप्शन केस था फर्स्ट लीथल जीन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, आगे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट है क्या चीज़ है, ज़रा वो देखते हैं, इसको आप पॉज करके बेटा अगर आपको लगे तो नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज एज यू विश, जैसा आप चाहो, सिलेबस में है नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये आपके सिलेबस में है,
लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जरा लिखिए स्टेटमेंट पहले, फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में लिखिए, गिवन बाई कॉरेंस, गिवन बाई डैश कॉरेंस, नीचे लिखिए नई लाइन से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when the cross occur in between two pure breeding plants having one pair of contrasting character, then in F1 generation, one character express itself incompletely. That is, in F1 generation. Incomplete dominance of one character occur. Full stop. New line से लिखिए. In F2 generation, both genotypic and phenotypic ratio are same. That is 1 is to 2 is to 1. चलिए जरा देखिए, फोकस करिए क्या चीज़ है। एग्जाम्पल क्या मिला बेटा, मिराबलिस जलापा, इसे बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। मतलब इसका कॉमन नेम जो होता है वो 4 o'clock प्लांट होता है। इस प्लांट का साइंटिफिक मतलब नाम जो होता है रियल नेम, उसे मिराबलिस जलापा बोलते हैं। इसमें दो टाइप के फ्लावर निकलते हैं, एक रेड फ्लावर होता है और एक वाइट फ्लावर होता है। ठीक, अब क्या किया गया, इन दोनों के बीच क्रॉस कराया गया। अच्छा, कंडीशन क्या थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, जो कैपिटल लेटर से लिखा होगा, वो हावी तो होगा लेकिन पूरी तरह से नहीं। और जब पूरी तरह से नहीं हावी होगा, इसका मतलब दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद कुछ और कैरेक्टर शो करेंगे। जरा देखिए, रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर, इसको ले लिया कैपिटल आर, इसको कर लिया स्मॉल आर, ये हो गया पेरेंट्स, इसका गैमिट आया कैपिटल आर, इसका आया स्मॉल आर, दोनों आपस में मिल गए, ये बना कैपिटल आर स्मॉल आर। दिस इज F1 जनरेशन। जब दो पेरेंट के बीच क्रॉस होता है, दो डिफरेंट पेरेंट के बीच क्रॉस होता है, जो पहला रिजल्ट मिलता है उसे बोलते हैं F1 जनरेशन। अब ये F1 जनरेशन मिला, आपको पता है ये कैपिटल टी क्या स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर पे हावी होगा। आपने हेडिंग क्या लिख रखा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब ये पूरी तरह से इस पे हावी नहीं होगा, और जब पूरी तरह से हावी नहीं होगा तो सिंपल सा है कि ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, और जब मिक्स हो जाएंगे तो इनका कलर रेड में वाइट मिलाओगे तो कैसा कलर देगा, वो पिंक कलर।
कैसा देगा? पिंक कलर। अब अगर इसका हम एफ टू जनरेशन निकालें, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, एफ टू निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, दो एफ वन के बीच क्रॉस करते हैं, और जब दो एफ वन के बीच क्रॉस करेंगे तो ये आर इसके साथ मिलेगा, कैसा बन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। समझ में आ रहा है ना, कैपिटल आर कैपिटल आर, ये इससे मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इससे मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये इससे मिलेगा स्मॉल आर स्मॉल आर। आप सभी लोग रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा, समझ में आया या नहीं आया। इसका अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो लिखूं, और फिनोटिपिक, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो लिखूं, तो आपको पता है ये कैसा है, रेड कलर, कैपिटल आर कैपिटल आर मतलब रेड होता है, और स्मॉल आर मतलब वाइट होता है। ये कैसा है, वाइट, तो एक रेड है एक वाइट है, एक रेड और एक वाइट। अच्छा ये दोनों कैसे हैं, ये कैपिटल आर हावी नहीं हो पाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, पिंक, और ये भी कैसा हो जाएगा, पिंक। तो 1:2:1। और अगर जब मैं फिनोटिपिक रेशियो निकालूंगा, तो क्या फिनोटिपिक में ये दोबारा से रेड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हेडिंग ही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो फिर से रेशियो आपका कितना आ जाएगा बेटा, 1:2:1। मतलब जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, सेम आ जाता है। समझ में आया, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की समझाने की, बट रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा बेटा। हामिदा, अमन अब्बास, साक्षी सिंह, आस्था सिंह, अंशु सिंह, ठीक, कृतिका उपाध्याय, जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th के हैं, अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बेटा, ठीक है प्रॉब्लम थी, नहीं चल पा रहा था, सारी चीज़ें अप टू डेट नहीं थी, बट अब जो है, अगर इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में ये भी लिख सकते हो सर मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन रिस्पॉन्स पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो मिलना चाहिए बेटा, ठीक। तो रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, आपको समझ में आया, आपने नोट्स प्रिपेयर किया या नहीं किया, क्लियर। प्रिया वर्मा, आदित्य, आकाश जायसवाल, जितने भी लोग आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, रिस्पॉन्स सबका आना चाहिए कि आपने इस चीज़ को समझा, और अगर नहीं आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हो, अगर समझ में आता है तो आपकी इच्छा, आप लाइक करो या ना करो, बट अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा आप, ठीक। चलिए ये तो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नेक्स्ट हम चलते हैं कम्प्लीट डोमिनेंस की तरफ, देखते हैं और भी स्टूडेंट हैं उसमें, प्रिया वर्मा है, सलोनी वर्मा है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, और अच्छे से अपना नोट्स प्रिपेयर करिए, अगर आप सेटिस्फाई होते हो तो, क्लियर, और रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा बेटा। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, चलिए, लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। अब कंप्लीट डोमिनेंस क्या होगा कि पूरी तरह से, ठीक ना, लिखिए पहले अपना स्टेटमेंट, लिखिए लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस का, लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस का स्टेटमेंट लिखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डैश, इफ द क्रॉस ऑकर इन बिटवीन टू प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल, इफ द क्रॉस ऑकर इन बिटवीन टू प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल हैविंग वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, देन इन एफ वन जनरेशन Both the parental character express itself equally
एक चीज़ और बेटा, लॉ ऑफ कंप्लीट नहीं है, कोडोमिनेंस है, सॉरी फॉर मिस्टेक, ये लॉ ऑफ कोडोमिनेंस है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस है ना कि कंप्लीट डोमिनेंस है, क्षमा चाहता हूँ मैं, वो बाय मिस्टेक हो गया। आगे लिखिए, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देन इन F1 जनरेशन बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस इट्सेल्फ इक्वली, बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस इट्सेल्फ इक्वली एंड इन F2 जनरेशन बोथ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो आर सेम एंड इन F2 जनरेशन बोथ जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो आर सेम। हो गया बेटा, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसमें आपको मिलेगा, बॉडी कलर ऑफ कैटल, ठीक इसी में एग्जाम्पल मिलेगा ABO ब्लड ग्रुप, ये जो ABO ब्लड ग्रुप है एग्जाम्पल, ये और आपको मिलेगा मल्टीपल एलिज्म का, मल्टीपल एलिज्म इसका एग्जाम्पल भी आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले एक्सप्लेन करते हैं बॉडी कलर ऑफ कैटल, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए एक वाइट काऊ है और एक ब्लैक बुल है, एक वाइट काऊ है, एक ब्लैक बुल है, इसको हमने मान लिया कैपिटल डब्ल्यू और ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू। ब्लैक कलर है, कैपिटल डब्ल्यू वाइट है, इसने अपना दिया गैमिट, इसने अपना गैमिट दिया। अच्छा, दोनों जब फ्यूज होंगे तो बनेगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इसे क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे इसे, F1 जनरेशन। अच्छा, ये हो गई F1 जनरेशन, अब हमें F2 निकालना है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। आपको पता है ये तो प्रॉपर वाइट था, ये प्रॉपर ब्लैक था, लेकिन ये कैसा होगा, आपको पता है ये जब हम इसको देखेंगे तो ये जब इसका जब बच्चा इन दोनों के बीच क्रॉस होके जब इनका काफ इसकी बर्थ होगी तो इसका कलर आपको कैसा मिलेगा। आपने पढ़ा यहाँ पे लिखा हुआ है कोडोमिनेंस, को मीन्स क्या होता है, साथ साथ, क्या होता है, साथ साथ, ये भी अपना कैरेक्टर शो करेगा और ये भी अपना कैरेक्टर शो करेगा, और जब दोनों शो करेंगे तो आपने देखा होगा गाय का एक बच्चा होता है जिसकी पूरी बॉडी वाइट होती है, बीच बीच में ब्लैक स्पॉट होते हैं, ब्लैक एंड वाइट में, ठीक ना, पूरी बॉडी वाइट है लेकिन ब्लैकेस्ट स्पॉट पैचेस पड़े हुए हैं बॉडी पे, मतलब दोनों अपना कैरेक्टर शो कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं रोन। ठीक ना, उसे हम क्या बोलते हैं, रोन। तो यहाँ पे जब क्रॉस करोगे कैपिटल डब्ल्यू, ये मिल जाएगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये मिल जाएगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और ये मिल जाएगा स्मॉल डब्ल्यू। जब इसका जीनोटिपिक रेशियो निकालोगे बेटा तो ये कितना आएगा, वन, ये दोनों सेम है, ये प्रॉपर वाइट है, ये प्रॉपर ब्लैक है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, रोन हो जाएंगे, तो रेशियो कितना आएगा, 1:2:1। और जब फिनोटिपिक निकालोगे तो उसमें भी रेशियो कितना आएगा बेटा, 1:2:1। एनी प्रॉब्लम? ये था आपका कौन सा, बॉडी कलर ऑफ कैटल। एक एग्जांपल और है ABO ब्लड ग्रुप, तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखिएगा और रिस्पॉन्स जरूर करिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आई विल एक्सेप्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम, लेकिन रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। इससे एक मोटिवेशन ये रहेगा कि आगे जितने भी चैप्टर्स हैं आपको इसी के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएं,
तो इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप रिस्पॉन्स ज़रूर करिए, जो भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव होता है। मैं चाहता हूँ जितने लोग हैं क्लास में जो क्लास अटेंड करते हैं, तो कम से कम उनका रिस्पॉन्स तो मिलना ही चाहिए। और आप में से और भी कोई लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप इससे सेटिस्फाई हो कि हाँ मुझे समझ में आ गया, तो आप रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा। क्लियर? नहीं आता तो भी आप रिस्पॉन्स करिए, डिसलाइक करिए, जैसे भी करके समझ में तो आए कि हाँ आपने वीडियो देखा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है एबीओ ब्लड ग्रुप, इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए बेटा।